इससे प्रीवियस लेक्चर में हमें जाना था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में इन डिस्क्रीट मैनर। अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंटिन्यूअस मैनर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंटिन्यूअस मैनर में हम पहला जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेने जा रहे हैं। इस कंडीशन में हम एक वायर लेंगे। वी हैव अ वायर दैट इज पॉजिटिव वायर। वी हैव दैट पॉजिटिव वायर। उसका कोई एक एलिमेंट दैट इज डी एल। इस डी एल पे कोई हमारे पास डी क्यू चार्ज है और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ ही हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देता है। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू बाई डी एल। डी क्यू की वैल्यू होती है लैम्डा डी एल के बराबर होती है। जो तो फोर्स होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट R0 - R1 का क्यू R0 R1 के बराबर हमने पढ़ रखा है। ये एफ या फंक्शन ऑफ आर इस फॉर्म में हमने लिखा और क्यू नॉट को हमने थोड़ा अलग ले लिया। डी क्यू अपन डी नॉट इस फॉर्म में लिखा हमने। नाउ ये एक छोटे से पॉइंट के लिए है लेकिन जब हमें पूरी बॉडी के निकालना पड़ता है तो उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज की वैल्यू डी क्यू की वैल्यू रखने पर लैम्डा आर डी एल ये और R0 - R0 क्यू की वैल्यू हमें मिली। नाउ जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में ये निकल के आती है। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ फोर्स इन केस ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस पे ये वैल्यू निकल के आती है। नाउ हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू के बराबर होता है। तो हमने फोर्स की वैल्यू जो होती है यहाँ रखी और सॉल्व किया इसे तो लैम्डा आर डी एल आर नॉट क्यू एंड यहाँ पर R0 R1 वेक्टर हमें मिलता है। ये वाला वेक्टर हमें यहाँ मिलता है और जब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा R0 dl R0 - R1 R0 - R1 ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड रूल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। नाउ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास एक सरफेस है एक्सवाई प्लेन में सरफेस है। यहाँ पर डी क्यू चार्ज है और एक हमने छोटा सा एरिया लिया तो डी क्यू बाई डी एस ही मैं क्या देता है सिग्मा। डेट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो ये वैल्यू निकल के आती है। तो हमारे पास फोर्स वैल्यू क्या हुई फोर्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट R0 R1 वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब R0 R1 वेक्टर वेक्टर। नाउ क्यू नॉट को हम बाहर ले लेते हैं। ये भी वेक्टर ही है फंक्शन ऑफ आर है ये वेक्टर। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R0 R1 वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब R0 R1 वेक्टर वेक्टर। नाउ चार्ज जो हमारे पास स्मॉल चार्ज डी क्यू है इसकी वैल्यू हम जब यहाँ पुट करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसे यहाँ लेकर के सिग्मा आर डी एस बराबर डी क्यू की बराबर वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो इससे हमने ये वैल्यू पुट की यहाँ पर फोर वेक्टर आर इक्वल्स टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर डी एस R0 R1 वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब R0 R1 वेक्टर वेक्टर ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ इट इज ड्यू टू स्मॉल चार्ज। अगर हमें कंप्लीट चार्ज की वजह से वैल्यू कितनी लगेगी वो निकालना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फॉर टोटल चार्ज वी हैव टू इंटीग्रेट इट सरफेस इंटीग्रल और डी एस और ये
इसके लिए काम करेंगे। तो फोर्स वेक्टर इक्वल टू आर, क्यू नॉट को बाहर निकाल दें, क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस सिग्मा आर डी एस आर नॉट टू वेक्टर आर वन वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई वेक्टर बराबर होता है क्यू ई नॉट के और ओफ नॉट ई के, तो ई बराबर हमारा हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, F वेक्टर R इक्वल्स टू वन अपॉन क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा R ds R नॉट वेक्टर R वन वेक्टर का होल क्यूब R नॉट R वन वेक्टर वेक्टर। Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ई आर इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट समेशन एस सिग्मा आर डी एस आर वेक्टर आर वन वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट वेक्टर आर वन वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। नाउ द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसे हम कह सकते हैं रो। इस कंडीशन में हम देखते हैं हमारे पास एक वॉल्यूम है, वी हैव अ वॉल्यूम वी आर गुड और इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। यहां के लिए ये हमने वॉल्यूम और ये हमने चार्ज लिया, तो यहाँ पर हमारा बी वी स्मॉल वॉल्यूम है और यहाँ हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम रो कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी रो। एंड रो की वैल्यू हमारे पास जाती है रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। नाउ डी क्यू हमारे पास आ गया रो आर डी वी के बराबर, रो आर डी वी के बराबर हमारे पास चार्ज की वैल्यू आती है। नाउ वैल्यू ऑफ फोर्स भी है, फोर्स इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर क्यू नॉट। और क्यू नॉट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसे आर है फंक्शन ऑफ आर, सो क्यू नॉट फोर पाई एफ नॉट क्यू आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर। नाउ जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज क्यू की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी, ये चार्ज क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या निकलता है देखते हैं। फोर्स आर सिग्मा इक्वल टू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर डी वी
अपॉन ओ के सिग्मा क्यू, वी हैव रो इन दिस केस रो एंड आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर. नाउ इट इज ड्यू टू द स्मॉल चार्ज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट. नाउ बिकॉज ऑफ फुल वॉल्यूम एलिमेंट वी आर गोइंग टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ इट इंटीग्रेशन डीवी दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली. नाउ वी हैव एफ आर वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट फोर पाई एफ नॉट इंटीग्रेशन वी रो आर डी वी आर नॉट वेक्टर आर वन वेक्टर का होल क्यूब एंड आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर. नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू बी हैव ई इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज वेक्टर वेक्टर. सो वन अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू नॉट फोर पाई एफ नॉट इंटीग्रेशन बी रो आर डी वी आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर. नाउ क्यू से क्यू कैंसिल हो गया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो आर डीवी आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर. तो इट्स अ फॉर्मुलेशन फॉर द केस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन मिली. फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव दिस, फॉर लीनियर चार्ज फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस एंड दिस फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू बी हैव. नोट इट डाउन. नाउ एक छोटी चीज और देखने रहा. अगर हमारा चार्ज है जो इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तीन डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर, एक ई ई एक्स ई वाई और ई जेड. ये एक्स वाई एंड जेड ये ओरिजिन ओ, यहाँ चार्ज रखा है क्यू. तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये पॉइंट हमारा पी है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शंस. व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन वी आर गोइंग टू बी हैव. सो वी हैव सबसे पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास क्या होती है, ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू आर वेक्टर का होल क्यूब एंड आर वेक्टर का होल क्यूब. यहां पर जो ओपी है वो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर. जब हम आर वेक्टर को ओपन करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, जब आर वेक्टर को हम ओपन करते हैं तो हमें मिलता है एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर जेड के वेक्टर और ओपी वेक्टर का मॉडुलस जो मिलता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम केस लें, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के यूनिट वेक्टर 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 के केस में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है.
नाउ हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इट्स अ वैल्यू ऑफ आर वेक्टर मॉडुलस की वैल्यू है हमारे पास, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, जब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ई एक्स आई वेक्टर प्लस ई वाई जे वेक्टर प्लस ई जेड के वेक्टर डैट्स बिकम इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब एंड एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, इस फॉर्म में वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द वैल्यू ई एक्स वेक्टर आई प्लस ई वेक्टर 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 ई वाई वेक्टर जे प्लस ई जेड वेक्टर के इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू एक्स आई, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर ले जाएंगे रूट को थ्री बाई टू की फॉर्म में प्लस वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू बाई जे वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थ्री बाई टू एंड प्लस वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू जेड के यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थ्री बाई टू, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड आई की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आई की वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जे को जे से और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या क्या वैल्यू हमें ऑप्टेन होंगी लेट्स अस सी। तो ई एक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन आई कैप के लिए ये वैल्यू बनेगी, तो हमारे को हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थ्री वाई टू, ई वाई की वैल्यू हमारे बनेगी वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थ्री वाई टू, इसे इन समय में ना ई जेड वेक्टर 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 की वैल्यू पास बनेगी वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थ्री वाई टू के बराबर हमें वैल्यू मिलेंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मीन टू से एक्स डायरेक्शन की वैल्यू ये, वाई डायरेक्शन की वैल्यू ये और जेड डायरेक्शन की वैल्यू हमें इस तरीके से ऑब्टेन होंगे। नोट डाउन।